Morning. Welcome to BioWorld. Today in this lecture we'll discuss about spatial modification, breathing, absorption of moisture, parasitism. Let's start with breathing. So we are seeing the spatial modification of root to perform spatial function, breathing. So remember, specialized groups of plants which inhabit the saline, मतलब के salty area, waterlogged, बहुत कादव होता है वहां पे, मड होता है, राइट, सॉइल्स ऑफ क्रीक नियर कोस्टल रीजियंस आर कॉल्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट. ये जो प्लांट्स है उसको बोलते हैं मैंग्रोव प्लांट. ये जो मैंग्रोव प्लांट है उसके एग्जाम्पल याद रखो, राइजोफोरा एंड एविसिनिया. सो राइजोफोरा एंड एविसिनिया आर मैंग्रोव प्लांट विच ग्रोज इन सलाइन वाटरलॉक एरियाज, क्रीक्स नियर कोस्टल रीजियंस, राइट. दिस प्लांट produced most important negatively geotropic and positively phototropic aerial roots from their अंडरग्राउंड रूट्स. अब एक्चुअली क्या होता है पता है, यहाँ पे बहुत ही सॉल्टी एरिया होता है, राइट. तो सॉल्टी एरिया में क्या होता है कि ये जो प्लांट है उसके जो अंडरग्राउंड रूट है उसको प्रॉपर ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं होता है. इसी वजह से ये जो अंडरग्राउंड रूट है उसी में से नए रूट अराइज होते हैं एंड दिस रूट आर नेगेटिवली जियोट्रॉपिक, उससे अपोजिट डिरेक्शन में, पॉजिटिवली फोटोट्रॉफिक. नॉर्मली देखो रूट नेगेटिव फोटोट्रॉफिक होते हैं, बट यहाँ पे जो रूट होते हैं वो एरियल होते हैं एंड दे आर पॉजिटिवली फोटोट्रॉफिक रूट्स, राइट. एंड दिस आर मॉडिफिकेशन ऑफ अंडरग्राउंड रूट. तो बेटा पूछ सकते हैं मॉडिफिकेशन ऑफ अंडरग्राउंड रूट टू अबव ग्राउंड रूट, राइट. पहले रूट अंडरग्राउंड होते हैं बट अबव ग्राउंड इसका ये मॉडिफिकेशन होता है, राइट. तो जिसको बोलते हैं ये जो स्पेशल रूट्स है, राइट, उसको न्यूमेटोफोर्स बोलते हैं. क्या बोलते हैं ये रूट को? न्यूमेटोफोर्स, राइट. सो दिस रूट्स आर स्पॉन्जी लॉन्ग branched or unbranched and most important possess a large number of lenticels. जैसे stomata होते हैं ना, कैसे stomata pore है जिसके through exchange of gases होती है, वैसे ही यहाँ पे जो छोटे छोटे पोर होते हैं उसको बोलते हैं लेंटिसल्स, राइट. और जो ये रूट है उसको बोलते हैं न्यूमेटोफोर. और ये न्यूमेटोफोर के थ्रू क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है, राइट. सो न्यूमेटोफोर हेल्प्स इन एक्सचेंज ऑफ गैसेस, राइट. रिमेंबर मैंग्रोव प्लांट यू कैन सी हियर. सो दिस आर मैंग्रोव प्लांट
and this is nematophore. That modification of underground root to above ground root, and they possess lenticels, and with the help of lenticels they do exchange of gases, right? So this is the special modification breathing. So up till now we have discussed that modification of root for special function. First हमने बात की थी storage of food. Second हमने बात की mechanical support, maze and banyan tree. Then climbing, that is pothos. Then we have discussed about photosynthesis, that is tinospora, that is known as the asymmetry root. Then breathing in mangroves plant, right? तो ये respiratory roots हैं, right? Pneumatophore बोलते हैं जिसको. Now next modification, that is absorption of moisture. Absorption of moisture. So example, ये किसमें देखने मिलता है modification? Orchids. So orchid, they live as a epiphyte. Epiphyte मतलब they obtain only habitat from the host. सिर्फ रहने के लिए host का use करते हैं. They do not obtain water, salts or prepared food from the host. Host में से कुछ और नहीं लेते हैं, सिर्फ रहने के लिए उसका use करते हैं. So this plant, they do not have any contact with soil. इनका soil के साथ कोई contact भी नहीं है. So they produce adventitious root which remains suspended in air. Air mein suspended hote hai ye roots, right? Okay, ab ye jo roots hote hai, these roots, they are spongy, thick, long and greenish. Now most important, ये root की जो outer surface है, they possess velamen they possess velamen tissue, right? अच्छा, velamen जो tissue होते हैं वो cells polygonal and thick walled होते हैं and they are arranged in many layers, राइट? और उसका फंक्शन क्या है? दे एब्जॉर्ब मॉइस्चर फ्रॉम एटमोस्फियर. एटमोस्फियर में से क्या करते हैं? मॉइस्चर को एब्सॉर्ब करते हैं, राइट? और ये जो रूट है इसको बोलते हैं एपीफाइटिक रूट्स. क्या बोलते हैं उसको? एपीफाइटिक रूट, राइट? तो ये जो रूट होते हैं वो हाइग्रोस्कोपिक नेचर में होते हैं. हाइग्रोस्कोपिक मतलब कि क्या करते हैं? वाटर के टॉवर्ड वो अट्रैक्ट होते हैं, राइट? सो आप देख सकते हो दिस आर द मॉडिफिकेशन फॉर स्पेशल फंक्शन.
दिस इज डायग्राम ऑफ ऑर्चिड. ये जो रूट है उसको बोलते हैं एपीफाइटिक रूट. और ये आप जो देख रहे हो ये है विलामेन टिश्यू. और विलामेन टिश्यू आप देख सकते हो उसके सेल पॉलीगोनल है, राइट, और मैनी लेयर्स में अरेंज है, राइट. तो ये हो गया डायग्राम और चीट. एंड मॉडिफिकेशन इज एब्सॉर्प्शन ऑफ मॉइस्चर. एंड ये एपीफाइट है, ध्यान रखना. कौन सी प्लांट है? एपीफाइट. ओके, सो दिस इज अबाउट एब्सॉर्प्शन ऑफ मॉइस्चर. नाउ नेक्स्ट मॉडिफिकेशन इज पैरासिटिज्म. Right, that means they depends on other plant for their nutrition, right, depends on other plants for their nutrition, right, जो दूसरे पर depends होते हैं, right, उसको बोलते हैं parasitism. अच्छा, ये जो parasites हैं ना दो type के होते हैं, टोटल पैरासाइट एंड पार्शियल पैरासाइट. टोटल पैरासाइट एंड पार्शियल पैरासाइट. अच्छा, टोटल पैरासाइट की बात करें तो कसकटा. सो ये जो कसकटा है वो नॉन ग्रीन है. आपने देखा होगा कि वो पूरा जस्ट ऐसा थ्रेड जैसा होता है, येलो येलो, राइट, नॉन ग्रीन, लीफलेस, लीव्स भी नहीं है, राइट, एंड येलो स्टेम, पूरा येलो येलो स्टेम होता है, राइट. ये प्लांट्स क्या करते हैं? दे डेवलप शकल्स और हॉस्टोरिया. शक्कस या होस्टोरिया, राइट, डेवलप करते हैं कहाँ पे? एट द प्लेस ऑफ क्लोज कॉन्टैक्ट विद द होस्ट प्लांट. तो जो होस्ट प्लांट है उस वहाँ पे जो सब उसका कॉन्टैक्ट होता है वहाँ पे वो ऐसे शक्कस छोटे से टाइनी रूट अराइज करते हैं. जैसे ये उसका है और ये समझ लो कि होस्ट की वास्कुलर टिश्यू है. तो ये सकर्स डेवलप करते हैं और होस्ट में से ये सकर्स के थ्रू ये ऐसे कनेक्ट करते हैं डायरेक्ट, राइट. एंड दिस शकर्स और हॉस्टोरिया शक क्या शक करते हैं? वाटर, मिनरल्स एंड प्रिपेयर्ड फूड, राइट. तो शकर्स सक वाटर, मिनरल्स, प्रिपेयर फूड फ्रॉम द होस्ट, राइट. समझ में आया? तो यहाँ पे जो सकर्स है वो पैरासाइटिक रूट है. अब आप देख सकते हो कि कसकटा क्या करता है, सब मतलब कि एवरीथिंग इट एब्जॉर्ब्स फ्रॉम होस्ट, वाटर, मिनरल्स एंड इवन प्रिपेयर फूड. सो दिस इज नोन एज अ टोटल पैरासाइट, ठीक है. दूसरा है लोरेंथस. लोरेंथस ग्रीन लीव्स कर पोजेस है, उसके पास ग्रीन लीव्स है, राइट. तो वो क्या करता है कि होस्ट में से सिर्फ वाटर और मिनरल एब्जॉर्ब करता है, राइट, विच एब्जॉर्ब्स ओनली मिनरल एंड वाटर, राइट, थ्रू हॉस्टोरिया. राइट, एज इट पजेस
green leaves. So prepare food by own. Right? So it is partial parasite. Okay? And Loranthus, yaad rakhna, mostly it lives on mango tree. On branches of mango tree. ठीक है, तो ये हो गई बात पैरासाइट्स, टोटल पैरासाइट, पार्शियल पैरासाइट. ठीक है, जो होस्ट में से टोटली फूड लेता है वो टोटल पैरासाइट, और जो लीव्स होते हैं जिसके पास, राइट, तो वो पार्शियल पैरासाइट. तो देखो ये है कसकटा, मैंने पहले ही बोल दिया नॉन ग्रीन लीफलेस, राइट, ये हो गया उसका होस्टोरिया, राइट, और ये है लोरेंथस. लोरेंथस को गुजराती में वांदो के, क्या बोलते हैं उसको, वांदो. ठीक है, तो ये हो गया पैरासिटिज्म. क्लियर? ओके, चलो नाउ लेट्स सी लास्ट मॉडिफिकेशन, that is symbiosis. So symbiosis, so we know that legumes, plant, pea, bean, right, to jo legume plants hai, लेग्यूम प्लांट्स की जो रूट है, ये रूट पे ऐसी छोटी मोटी नोड देखने मिलती है जिसको हम बोलते हैं रूट नोड्यूल्स, जस्ट लाइक ट्यूमर. ओके, अच्छा, अब सबसे पहले क्वेश्चन अराइज होता है कि सिम्बायोसिस क्या होता है. तो सिम्बायोसिस मींस ऐसा रिलेशन विच इज बेनिफिशियल टू टू ऑर्गेनिजम्स, राइट, उसको सिम्बायोसिस, मतलब कि दोनों को फायदा होता है, वैसे रिलेशन को बोलते हैं सिम्बायोसिस. हियर इट इज डिस्क्राइब अबाउट लेग्यूमिनियस प्लांट्स like bean, pea, groundnut, right? These plants possess nodules on their root system, right? जिसको क्या बोलते हैं, root नोड्यूल्स. अब देखो ये जो रूट नोड्यूल्स है, ये रूट नोड्यूल्स में एक स्पेसिफिक बैक्टीरिया रहते हैं जिनको बोलते हैं राइजोबियम. क्या नाम है बैक्टीरिया का? राइजोबियम बैक्टीरिया. अच्छा, क्या करता है ये राइजोबियम बैक्टीरिया? सो दिस राइजोबियम बैक्टीरिया, इट फिक्स N2, नाइट्रोजन का फिक्सेशन करता है. देखो हमें पता है कि कोई भी प्लांट एनवायरनमेंट में से नाइट्रोजन डायरेक्टली एब्जॉर्ब नहीं करता, तो यहाँ पे रूट में जो राइजोबियम बैक्टीरिया होते हैं, ये बैक्टीरिया क्या करते हैं, N2 का फिक्सेशन करते हैं, राइट, मतलब आप समझ सकते हो कि जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है उसका जो एब्जॉर्बेबल फॉर्म है सॉल्ट है, अमोनिया नाइट्रेट नाइट्राइट, राइट, सो एब्जोरेबल सॉल्ट में उसका कन्वर्ट करते हैं. किसमें? एब्जोरेबल सॉल्ट. ठीक है, एब्जोरेबल सॉल्ट में नाइट्रोजन का फिक्सेशन करते हैं, राइट, तो अब ये N2 किसको अवेलेबल हुआ, राइट, किसको अवेलेबल हुआ,
रूट को, तो रूट को फायदा हो गया। क्या हुआ रूट को फायदा? उसको N2 मिला। ठीक है, ओके। सो दिस सॉल्ट्स आर अवेलेबल टू प्लांट्स। ठीक है, तो रूट का फायदा हो गया। क्यों? बैक्टीरिया ने क्या किया? N2 का फिक्सेशन किया। चलो अब बदले में रूट को क्या फायदा? सो रूट इट प्रोवाइड हैबिटेट एंड न्यूट्रिशन टू बैक्टीरिया। देखो रूट उसको रहने के लिए जगह देखती है और उसको बदले में फूड भी देता है। तो ये जो रिलेशन है उसको सिम्बायोसिस बोलते हैं, राइट? और ये जो रूट है उसको बोलेंगे सिम्बायोटिक रूट्स। जिसमें दोनों को फायदा हो उसको बोलते हैं सिम्बायोटिक रूट्स। ओके, सो दिस इज अबाउट स्पेशल मॉडिफिकेशन ऑफ रूट्स।